इमलीडुग्गु बाईपास सड़क से हो रहे प्रदूषण से परेशान बस्ती वासियों ने सड़क जाम करने का अल्टीमेटम दिया है। वार्ड पार्षद सफल दास मानिकपुरी ने आज तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। उसके तहत इमलीडुग्गु बाईपास सड़क पर हो रहे धूल व कोयले का चूरा वाहनों से गिर रही है। इससे बस्ती वासियों को भारी परेशानी हो रही है, जिसे देखते हुए वार्ड वासियों ने 15 दिनों के भीतर समस्या का निराकरण नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। श्री मानिकपुरी ने बताया कि बाईपास मार्ग से भारी वाहन गुजर रहे हैं। इन सड़कों पर कोयले लदे गाड़ियों के दौड़ने से कोयले का चूरा गिर रहा है। इससे बस्ती में भारी प्रदूषण हो रहा है, साथ ही सड़क से गुजरने वाले लोगों को दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। इस संबंध में जिला प्रशासन को जनप्रतिनिधि और वार्ड वासियों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन समस्या का अभी तक निराकरण नहीं किया गया है, जिसे देखते हुए बस्ती वासियों ने सड़क जाम आंदोलन करने का निर्णय लिया है। जो बाईपास रोड इमलीडुग्गु बाईपास जो रोड है भैया, वहाँ इतना सारा कोयला के बड़े बड़े गाड़ी चले थे भैया, ओकर बार कई बार हमारे वहाँ जो बड़े बड़े गाड़ी के चले से जो धूल धक्कड़ उत्पन्न होते, धूल धक्कड़ ओकर कारण कई जन श्वास के बीमारी, छई के बीमारी। आप मन भैया जाके देखिए, जब दोपहर में खाना खाते ना आदमी, जो सुबह है खाना खाए टाइम बैठे है और जब गाड़ी चली तो ओकर थाली में पूरा धूल आ जाते। एक बार कई बार कलेक्टर ला, आयुक्त ला, महापौर जी ला, SDM ला, तहसीलदार जी ला, SCCL प्रबंधक ला कई बार आवेदन दे हैं, ओकर बाद आज तक कोई सुनवाई नहीं है। आज हमन अंतिम बार लेटर दे आए हैं कि 15 दिन के भीतर ये व्यवस्था के अगर सुधार नहीं हुई तो समस्त वार्डवासी बाईपास रोड में बैठी, जेकर पूरा जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रही भैया।